बिहार और बिहारी लोग भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। बिहार की कई महान हस्तियां और उनके कार्य विचार आज भी लोगों के जीवन में शामिल हैं। बिहार ने देश ही नहीं बल्कि विश्व को वो उपलब्धियां दी जिसने विश्व में देश का नाम रोशन किया। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसी ही हस्तियों से मिलवाने जा रहे हैं जो आपका सर फक्र से ऊंचा कर देंगे। भगवान बुद्ध जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था और भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को शांति और अहिंसा का ज्ञान दिया। उन्होंने आगे जाकर बौद्ध धर्म की स्थापना की और आज विश्व के कई देशों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल बिहार में ही स्थित है। गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह एक बेहतरीन योद्धा के साथ बहुत ही अच्छे कवि भी थे। वो अपने पिता गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी बने। सिर्फ 9 वर्ष की आयु में सिखों के नेता बने गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु थे। इन्होंने सिख धर्म के सिख खालसा की स्थापना की जिसके तहत सिख धर्म को मानने वाले 5 तरह की चीजें हर समय धारण करते हैं। सम्राट अशोक, भारत के महानतम सम्राटों में से एक सम्राट अशोक एक बिहारी ही थे। सम्राट अशोक ने एक समय में लगभग संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज किया। वे साम्राज्यवाद के पक्के समर्थक थे। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वे पूर्ण रूप से तत्पर रहते थे। सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक राज किया। उन्होंने मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में बनाया था। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। आर्यभट्ट को प्राचीन भारत के महानतम गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री माना जाता है। उन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में गणना करके ये बताया था कि कलयुग 3600 वर्ष का होगा। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम इनके नाम पर ही रखा गया था। और चाणक्य जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता था। चाणक्य विद्वान, शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और राष्ट्र सलाहकार थे। इनके द्वारा लिखी गई चाणक्य नीति को लोग आज भी मानते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये रिपोर्ट काफी पसंद आई होगी। पूर्वांचल की लगातार ताजा अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।